टीम सेवन रेडी? पॉलिटिक्स, पहला प्रश्न, जिस समय भारत के संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय भारत में किस कानून के अंतर्गत कामकाज चल रहा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सॉरी, सर 1935 का एक्ट था। बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्लस 10। स्वतंत्रता अधिनियम शुरू में कहा था लेकिन नहीं सर, वो 1947 था वो मुझे पता है, लेकिन 1935 का एक्ट था। भारतीय स्वतंत्रता बोले सर, शुरू में स्वतंत्रता बोला था लेकिन वो नहीं था, फिर मुझे याद आया 1935। पहला आंसर सही माना जाएगा, ये पहले रूल्स में आपको बता दिया गया है, इसलिए जीरो है आपका नंबर। छठा, टीम छह के लिए दूसरा प्रश्न, टीम छह, राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन सी संस्था करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर, प्लस 10 टीम सिक्स के लिए। टीम फाइव, तीसरा प्रश्न, तमिलनाडु राज्य 1969 के पहले किस नाम से जाना जाता था? टीम सिक्स, मद्रास। राइट आंसर, प्लस फाइव फॉर टीम सिक्स। टीम फोर, चौथा प्रश्न, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 25 वर्ष। रॉन्ग आंसर, टीम फाइव 30। राइट, प्लस फाइव फॉर टीम फाइव और जीरो टीम फोर। टीम थ्री, पांचवा प्रश्न, भारत का प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, CNN। प्लस टेन फॉर टीम थ्री। टीम टू, छठा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? टीम टू, समय समाप्ति की ओर है, आ गया। टीम थ्री, एब्सॉर्न स्मिथ। राइट आंसर, प्लस फाइव फॉर टीम थ्री, जीरो फॉर टीम टू। टीम वन, प्रश्न सात, केंद्र व राज्यों के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? आ गया। 545। रॉन्ग आंसर, टीम थ्री। सर अधिकतम, हाँ जी, इतना बोलिए, एक तिहाई कुल सदस्य। नहीं, रॉन्ग आंसर है, टीम फोर। फाइव फॉर टीम फोर एंड थ्री। इसके साथ पॉलिटिक्स का राउंड भी समाप्त होता है और मिसलेनियस राउंड इसके बाद शुरू होगा। ये जैसा आप जानते हैं टोटली बजर पे होगा, अपना अपना हाथ बजर पे होना चाहिए। शुरू करें, पहला मिसलेनियस राउंड, पहला प्रश्न, किन, हाँ स्कोर बता दीजिए इससे पहले। चार राउंड खत्म होने के बाद एक नंबर टीम 10 अंक, दो नंबर टीम 25, तीन नंबर 5, चार नंबर -5, पांच नंबर 5, छह नंबर 0 और सात नंबर -5। तो दो नंबर टीम लीड कर रही है 25 नंबर के साथ।
मिसलेनियस राउंड का पहला प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। किन दो विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टीम सिक्स, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड नेल्सन मंडेला। प्लस टेन, टीम सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने नवाब राय के नाम से अपना साहित्य लेखन शुरू किया था? कोई भी टीम नहीं ले रही है। कंप्यूटर जी अभी 5 सेकंड पड़े हैं, कोई लेना चाहे तो। कंप्यूटर जी आंसर बता दीजिए। ये मशहूर लेखक कवि मुंशी प्रेमचंद जी। तीसरा प्रश्न, किस भारतीय डॉक्टर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? टीम सेवन, सौम्या स्वामीनाथन। राइट आंसर। प्लस टेन फॉर टीम सेवन। चौथा प्रश्न, किस एयरलाइन ने रोशन होगा देश हमारा योजना शुरू की और असम के मजुली जिले में दूरदराज के गांव बारचक को अपनाया है? एयरलाइन का नाम बताना है आपने। टाइम इज रनिंग फास्ट, कोई नहीं ले रहा। कंप्यूटर जी आप ही बताइए समय बचाने के लिए। और इसका सही जवाब है स्पाइस जेट। पांचवा प्रश्न, यतो धर्मस्ततो जय किस का ध्येय वाक्य है? यतो धर्मस्ततो जय किस का ध्येय वाक्य है? टीम सेवन। राइट आंसर। प्लस टेन फॉर टीम सेवन। और मिसलेनियस राउंड भी इसके साथ समाप्त होता है। इसके बाद हम भारत गौरव, जिसमें साइंस से संबंधित प्रश्न है, उनकी तरफ, उस राउंड की तरफ बढ़ते हैं। साइंस भारत गौरव राउंड, आपका ध्यान और आपका हाथ बजर की तरफ। पहला प्रश्न, भारत का प्रथम रॉकेट जिसे पूर्णतः स्वदेशी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के साथ प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम बताना है आपने। कोई भी नहीं ले रहा। हाँ जी, कंप्यूटर जी जवाब बता दीजिए। GSLV Mark III। सेकंड क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज मिसाइल ब्राह्मोस को किस लड़ाकू विमान पर स्थापित किया जा रहा है? टीम वन, विमान का नाम पूछा हो गया। टीम फाइव बताइए। माइनस फाइव, दोनों का माइनस फाइव है, टीम वन और टीम फाइव का। और इसका सही जवाब है Sukhoi 30 MKI। तीसरा प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? टीम फाइव, कोची। कोची, कोची राज्य पूछा गया आपसे। टीम वन, केरला सही है। राज्य प्रश्न को ध्यान से सुनिए, राज्य पूछा है तो राज्य का नाम बताना है, शहर का नाम नहीं बताना। माइनस फाइव फॉर टीम फाइव और प्लस फाइव फॉर टीम वन। चौथा फाइव, दूसरे अटेम्प्ट पे बताया ना आपने। चौथा प्रश्न, 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? टीम वन, INS अंधेरी। नो, रॉन्ग आंसर है ये। और कोई नहीं ले रहा। INS
सर नहीं नहीं और टीम सिक्स कलवारी राइट आंसर कलवारी ये सही है टीम सिक्स के प्लस फाइव हैं और टीम वन के रीसेट नहीं किया था नहीं रीसेट तो किया ही नहीं है ना सर वो उसमें टाइम लग गया ना इसीलिए बाद में जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद आ गया नंबर उनका टीम सिक्स टीम सिक्स को प्लस फाइव हो गया सुमन जी लास्ट प्रश्न इस राउंड का पांचवा प्रश्न ये पहले भी आपको बताया गया कि बार बार बजर मत दबाइए नहीं तो वो हैंग हो जाता है इसलिए यही प्रॉब्लम अभी आई थी लास्ट प्रश्न है साइंस का भारत में वैज्ञानिक शोध के लिए अग्रणी संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक कौन थे टीम थ्री होमी जहांगीर बाबा प्लस टेन राइट आंसर तालियां लगा दीजिए जी जब सही आंसर आए तो तालियां जरूर लगाएं आप इसके बाद हमारा ऑडियो राउंड होगा आपने बहुत ध्यान से सुनना है और उसका जवाब देना है जैसा इसमें भी बहुत ध्यान से आपने जवाब देना है पूरा सुन के और प्रश्न जब आ जाए उसके बाद पहले भी दे सकते हैं लेकिन अगर वो मैच नहीं किया तो माइनस हो जाएंगे आपके नंबर शुरू करें जी पहला प्रश्न सुनाई जाए ऑडियो इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है देश के दंगों के इतिहास को आप देखेंगे मैं आपको बताऊं पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं तीन श्रेणियां उसकी हैं टीम वन इस देश के अंदर एक टीम वन इस देश के अंदर एक भी आंसर बोलो इस देश के अंदर एक भी दंगा एक मिनट हां जी असदुद्दीन ओवैसी माइनस फाइव स्टार्ट कीजिए प्लीज हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है देश के दंगों के इतिहास को आप देख पूरा ऑडियो सुनिए और उसके बाद प्रश्न पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं तीन श्रेणियां उसकी हैं 10 से 20 प्रतिशत की आबादी 20 से 35 प्रतिशत की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी 10 से अब प्रश्न आपके सामने आ रहा है यह आवाज इस देश के अंदर किस राज्य के मुख्यमंत्री की है नहीं हुआ टीम थ्री देश के दंगों के बिल्कुल सही मैं आपको बताऊं नहीं नहीं पहले उन्होंने बोला है दंगे कहां होते हैं तीन श्रेणियां उसकी नहीं नहीं 10 से 20 प्रतिशत की आबादी प्रश्न 20 से 35 प्रतिशत की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी 10 से 20 सेकंड दूसरा प्रश्न नहीं टीम थ्री का जी टीम थ्री का एक और उनकी कविताओं में ओज विद्रोह आक्रोश और क्रांति की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जबकि कुरुक्षेत्र को विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया प्रश्न सुनिए इस क्लिप में किस कवि का वर्णन किया गया है हिंट इसमें बहुत क्लियर था टीम 6 कालिदास माइनस फाइव और कोई लेना चाहेगा इसमें उर्वशी और कुरुक्षेत्र किताबों का रचनाओं का जिक्र है ये आपको टीम सेवन मैथिली शरण गुप्त माइनस फाइव बस अब दो चांस हैं इसके बाद नहीं है तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है नहीं वो क्वेश्चन के बाद था इनको 10 देने हैं जी क्वेश्चन के बाद था तीसरा प्रश्न आवाज सुनाइए जी बिल्कुल क्योंकि आज तक देश में देखा जाता है जी हम भारत के जो ऋषि का बहुत सम्मान करते हैं उसने भारत को ऊंचा पहुंचाया है
आम आदमी के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और भारत के लोकतंत्र में जुडिशरी ने बड़े प्रश्न आपके सामने आ रहा है ये ठीक से रखना जी बिल्कुल क्योंकि ये किस राजनेता की आवाज है हम भारत के यह किस राजनेता की आवाज है कोई लेना चाहेगा नहीं सर एक मिनट अभी टाइम इज अप अब आप बता सकते हैं बहुत इनके लिए तालियां और अगर गिफ्ट है तो वो भी दे दीजिए इनको ये रविशंकर प्रसाद जो देश के कानून मंत्री हैं उनकी आवाज है चौथा प्रश्न प्रश्न आपके सामने आ रहा है इस आवाज को पहचानना है आपने B2 वडवाली ब्रदर्स दोनों भाई हैं दोनों गाते हैं वडवाली ब्रदर्स राइट आंसर वडाली ब्रदर्स या वडाली बंधु प्लस 10 फॉर टीम 2 पांचवा प्रश्न अभी प्रश्न आपके सामने आएगा ये कौन सी लोक शैली है ये कौन सी लोक शैली है कोई टीम किसी ने नहीं दबाया हाँ जी पंडवानी तो इनका आया क्यों नहीं इधर ये सही है इनका जवाब बिल्कुल और टेन मार्क्स फॉर टीम 3 ना ना 10 जी प्रश्न के बाद पहला ही इन्होंने दिया है इसके बाद आखिरी प्रश्न है इज बिलीव टू बी द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी He explained that human body functions because it contains three dosha or principles, namely movement or vata, transformation, pitta, and lubrication and stability, kapha. Further, he stressed, Charak is believed to be the first. Team 3. Team 3. Charak ki baat ho rahi hai. Charak ki baat ho rahi hai. Bilkul sahi jawab. Inhone hit kiya aur sahi answer hai. Suman ji, ek baar score bata dijiye. अंतिम राउंड से पहले टीम नंबर 1 और 6 जीरो पर हैं 4 और 5 -5 पर हैं 7 नंबर 10 अंक 2 नंबर टीम के 35 अंक लेकर वो दूसरे स्थान पर अभी तक है और 3 नंबर की टीम 45 अंक लेकर सबसे आगे है अभी सुमन जी एक बार स्कोर और बता दीजिए जल्दी से जीरो एक नंबर जीरो दो नंबर 35 अंक तीन नंबर 45 अंक चार नंबर -5 पांच नंबर -5 छह नंबर जीरो और सात नंबर 10 चलो लास्ट राउंड वीडियो राउंड जो है वो शुरू करने जा रहे हैं हम दस पॉइंट हैं सुमन जी देखना जरा छह नंबर के हाँ बताइए
ठीक है ठीक है, दस हैं वो, पांच नंबर के बाद जुड़े नहीं उसमें, ठीक है ठीक है, पंद्रह हो गया, वन के पांच है, सुमन जी वन के कितने हैं? वन के जीरो नहीं, पांच हैं, इधर कंप्यूटर जी हमारे बता रहे हैं उनके पांच हैं, दस पांच पंद्रह दस पांच, एक बार टैली कर लीजिए आप, जीरो हैं मेरे पास, कहाँ पे है पांच उनके बता दीजिए, नहीं कहाँ पे, इनके पिछली बार दो बार माइनस पांच हुए थे, पांच के एक नंबर के, एक फाइव भी मिले हैं इनको, हाँ एक फाइव मिले हैं, हाँ बिल्कुल सही है, दो बार माइनस पांच हुए, दो बार माइनस पांच हुए हैं, हाँ जी आप फाइनल बताइए, फाइव मार्क्स हैं इनके जी। तो लास्ट राउंड शुरू करने जा रहे हैं, जो ऑडियो विजुअल राउंड है, इसका पहला प्रश्न अभी आपके सामने आ रहा है, शुरू कीजिए जी। राइट आंसर शुभम उद्गल, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न, दूसरा चित्र ध्यान दीजिए, सिंह ने करवाया था, भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले बनाए यह आखिरी महल है, यह महल लग्जरी जीवन शैली के लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए बनाया गया था, यह महल चित्तर पहाड़ी उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा आ गया जी। हमारा देश विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से हमारे देश में नियमों की अनदेखी हो रही है। एक ऐसे माहौल में जब अन्ना हजारे भ्रष्टाचार हटाने के लिए कमर कस चुके हैं, वहीं केरल की तटों पर हमारे मछुआरे परेशान हैं लेकिन चुप हैं। पिछले 50 सालों से एक सरकारी कंपनी उनके घरों के ठीक सामने समुद्र में अपना खतरनाक तेजाबी कचरा छोड़ रही है, चाह कर भी कुछ नहीं कह पाते। प्रश्न ये है, इस समाचार वाचिका का क्या नाम है? न्यूज रीडर का नाम आपने बताना है, कोई भी नहीं ले रहा है, कंप्यूटर जी आप ही बता दीजिए। हमारा देश विकास की राह पर, ये है सिकता देव एनडीटीवी की तरफ से, सिकता देव। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, ये इस चित्र को पहचानिए। ड्राइविंग इन द सिटीज, इट्स नॉट अबाउट द स्पीड फॉर मी, इट्स अबाउट हाउ कंफर्टेबल इट इज, हाउ कॉम्पैक्ट इट इज टू ड्राइव इन द सिटी, हाउ स्टाइलिश इट इज, एंड आई थिंक इट फिट्स दैट बिल, आई थिंक इट्स कॉम्पैक्ट, इट्स कंफर्टेबल टू ड्राइव इन द सिटी, इट्स स्टाइलिश, इट कम्स इन मेनी कलर्स, सो इट्स ग्रेट। I've always got inspired by my coach Sarah Fitzgerald. When I look back, it's definitely been the Commonwealth Gold. It was just the first medal. प्रश्न आपके सामने ये है, जो आपको दिखाई दे रहे थे, उनका नाम बताना है आपने। अभी समय है, सोच सकते हैं। हाँ जी। टाइम अप, और इनका सही नाम कंप्यूटर जी बताएंगे। दीपिका पल्लिकल ये स्क्वैश चैंपियन हैं, और इस राउंड का आखिरी प्रश्न अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्लिप देखिए ध्यान से, सोमनाथ टेम्पल गुजरात, सोमनाथ टेम्पल गुजरात, माइनस फाइव,
और कोई लेना चाहेगा? प्रश्न ये है, इस मंदिर का नाम क्या है और यह किस नगर में स्थित है? कोई नहीं ले रहा? कंप्यूटर की इसका सही जवाब है अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर। और इसके साथ ये प्रतियोगिता यहाँ संपन्न होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। फाइनल स्कोर बता दीजिए। अभी प्रतियोगिता संपन्न नहीं हुई है क्योंकि दो टीमों के बराबर अंक हैं, दो नंबर और तीन नंबर टीम, दोनों दो और टीम 45 अंक हैं। तीन सही है। प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है, ये अभी टाई हुई है। अभी हम इनका करते हैं टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर के लिए माननीय तरुण शर्मा जी आपके बीच आ रहे हैं। चलिए, प्रतियोगिता तो समय से समाप्त हो गई लेकिन हमारे कैंडिडेट्स ने बराबरी का दर्जा हासिल करके 2 और 3। आपसे रैपिड फायर में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय सीमा रहेगी 20 सेकेंड्स। ठीक है, पहले 2 से फिर 3 से कोई भी पूछ लूं? चलिए, आप तैयार हैं? समय सीमा, आपकी समय सीमा शुरू होती है अब। सूरदास जी के गुरु का नाम? पास। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? पीटी उषा। गलत। इंडिया प्राइसलेस हेरिटेज के लेखक का नाम? इंडियाज प्राइसलेस हेरिटेज। पास। ऋषिकेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? योग। गलत। इग्नू का पूरा नाम बताइए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, दो प्रश्न ठीक है इनके, नहीं हाँ एक ही बताया, ठीक है, वो पीटी उषा भी गलत है, एक सही है। आपको कम से कम 2 के उत्तर देने हैं, एक में फिर बराबर हो जाएंगे आप। आप तैयार हैं? समय सीमा शुरू होती है अब। गुरु नानक जयंती की तिथि? फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति? मिल्खा सिंह सॉरी। सही। रघुवंश पुस्तक के लेखक? कालिदास। सही। रविंद्र सरोवर किस प्रदेश में है? प्रतिभा खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के दिए जाने वाला पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार। नियम है कि फर्स्ट आंसर जो आएगा वो सही है। जीव मिल्खा सिंह पहले बोला, फिर मिल्खा सिंह बोला, आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड करते हैं? दो बाकी के दोनों जो राइट आंसर है वैसे ही आए हैं, पहले गलत है फिर नहीं। कालिदास ठीक है बिल्कुल, इनका एक सही है, दो गलत है। आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार रहे है। दोनों ने एक एक सही उत्तर दिया है, बराबर मतलब बराबर। चलिए एक एक बार रैपिड फायर और कराते हैं, उम्मीद है कि अब आप हार जीत का फैसला करा देंगे। अब इनको पहले शुरू पूछते हैं, शुरू करें? yes, चलिए। तानसेन के बचपन का नाम? रामतनु। सही। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष? आरडी कटारी। सही। कन्फेशन ऑफ लवर्स के लेखक? पास। बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? स्टील प्लांट। सही। एचएसडी का पूरा नाम? HSD। पास। इनके 3 सही हैं। आप तैयार हैं? आपकी समय सीमा शुरू होती है अब। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम? पास। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1952। नो, रॉन्ग। एसेज ऑन गीता के लेखक? एसेज ऑन गीता। पास। पिंजौर किस फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? पास। IARI का नाम पूरा बताइए। IARI। नो, ये एक भी उत्तर नहीं दे पाए हैं। और इस प्रकार एक बार बराबरी पर रहने के बाद, दोबारा फिर बराबरी के रहने के बाद, इसमें विंध्य प्रांत के शशांक मिश्रा प्रथम स्थान पर रहेंगे और महाराष्ट्र पश्चिम के हर्षवर्धन अग्रवाल द्वितीय स्थान पर रहेंगे। और एक विशेष सूचना ये कि हमारे बाकी 5 कंटेस्टेंट में से कोई भी तृतीय स्थान के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाया है, इसलिए केवल फर्स्ट और सेकंड 2 ही प्राइज रहेंगे इसमें, बाकी सभी सांत्वना में रहेंगे। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर आ सकते हैं। इस समापन समारोह में पुनः आप सबका भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया मंच पर आए। सीताराम जी पारिक साथ में उनके, और श्री सुरेश जी जैन।
हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी निवास जी जाजू कृपया मंच पे आए। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी कानूनगो कृपया मंच पे आए। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान एस सी गुप्ता जी कृपया मंच पे आए। हमारे क्षेत्रीय सचिव श्री दत्ता जी चित्रे कृपया मंच पे आए। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल दत्ता जी चित्रे। इस भारत को जानो प्रतियोगिता के राष्ट्रीय मंत्री नेशनल सेक्रेटरी भारत को जानो श्री तरुण शर्मा कृपया मंच पे आए। समापन समारोह की लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। हमारे बीच में मनोरंजना जी और उनकी टीम उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सुबह उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया था, डॉक्टर हर्षवर्धन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप सब उससे जुड़ेंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूं आप सब से। और इन्होंने सुबह बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, एक बार जोरदार तालियों से इनकी पूरी टीम का अभिनंदन। हमारे बीच में कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, बल्कि यूं कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि काफ़ी बड़ा योगदान जो है हमारे दानदाताओं का, भामाशाहों का भी होता है, जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कर पाते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थित है, हमारे जो भामाशाह हैं वो यहाँ उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि उनका सम्मान उनको एक स्मृति चिन्ह के द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथों से हो, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले रामविलास जी महेश्वरी को कि वो आए। और मन से आग्रह करूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन से कि उनको स्मृति चिन्ह दे करके और उनका सम्मान करें। आइए राजा राम जी महेश्वरी साथ में है प्लीज। इसी भामाशाह की कड़ी में एक और नाम हमारे बीच में है जो मंच पे ही विराजमान है, श्री लक्ष्मी निवास जी जाजू। श्री लक्ष्मी निवास जी जाजू, आपका भी नाम इस लिस्ट में है सर। हाँ जी, श्री संपत जी खुर्दिया, श्री नीरज जी गुप्ता। श्री नीरज जी गुप्ता प्लीज। डॉक्टर एस के जैन, डॉक्टर एस के जैन। श्रीमती प्रभा डागा,
श्रीमती प्रभा डागा। विद्याधर जी मोलवार, राकेश जी ओस्तवाल, लादूलाल जी सोनी, विकास जी गोयल, श्री कृष्णकांत जी अग्रवाल, उत्तम शाह, श्री उत्तम शाह, श्री कृष्णकांत अग्रवाल, के अग्रवाल, लादूलाल सोनी, राम प्रभा डागा, श्री उत्तम शाह, श्री उत्तम शाह, मनोरंजना जी और पूरी टीम कृपया एक बार स्टेज पे आ जाएं, उनकी टीम मेंबर्स मनोरंजना जी और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में जी तोड़ मेहनत करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी जो मुंबई प्रांत की ओर से संयोजक के रूप में उठाई गई थी वो है श्री माणिक चंद जी डागा। और इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री राम लक्ष्मण नौलखा, जिनको सुबह ही सोलखा की उपाधि मिली है, ऐसे हमारे हीरो श्री राम लक्ष्मण नौलखा। राम लक्ष्मण जी नौलखा और डागा जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी सभी शाखाओं को साथ में लेकर के और एक सशक्त टीम बनाई, जिसकी वजह से हम हर कार्यक्रम को, हर चीज की, हर जवाबदारी को उचित तरीके से निभा पाए। तो मैं राम लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने साथियों का, जो टीम का जो है वो नेतृत्व लोगों ने किया है, उनको सम्मानित करवाएं। श्री राम लक्ष्मण नौलखा, नाम अनाउंस कर रहा हूँ, जल्दी से स्टेज पे एक ही साथ आ जाएं। श्री विद्याधर जी मोरवाल स्मारिका और वित्त व्यवस्था, श्री राकेश जी ओसवाल रहन सहन एंड आवास व्यवस्था,
श्री लक्ष्मण राज पुरोहित जी फूड एंड कैटरिंग, हर्षद भाई जोशी ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो, संजय जी जय पोदार स्टेज हॉल मैनेजमेंट, दिलीप माहेश्वरी रिसेप्शन कमेटी एंड निर्मला कौशिक रजिस्ट्रेशन, सुनीत साहब प्रेस एंड मीडिया, एंड हमारा विशेष सहयोग किया है नरेंद्र जी मौर्या ने। राज पुरोहित जी का नाम आ गया है। यस भाई और बहनों, जब तक प्रोग्राम में हल्की हल्की धीरे धीरे तालियां नहीं होगी, इन सभी टीम्स ने आने वाली ऑल इंडिया लेवल्स की टीम का भव्य रूप से स्वागत किया गया है। इनका सुबह 4 बजे हो या 5 बजे हो, लगातार इनकी पिकअप एंड ड्रॉप की अरेंजमेंट की गई है। लगातार 3 महीने से पीआर कमेटी के रूप में हमने सब टीम्स को कोऑर्डिनेट किया गया है। अभी मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी का मार्गदर्शन करें और अपना आशीर्वाद दें। एक ट्रॉफी रह गई है, भीमसेन जी गोयल। भीमसेन जी आइए प्लीज। एक और है सर, अमित गुप्ता ग्लोबल एडवर्टाइजिंग, जिन्होंने जगह जगह हमारे होर्डिंग्स इस कार्यक्रम के लगाए हैं, उनका मोमेंटो है वहाँ पे। अमित गुप्ता ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन दे, अपना संबोधन दे। आदरणीय सीताराम जी, सुरेश जी, जाजू जी और मंच पर विराजमान सभी अन्य भारत विकास परिषद के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय बंधुवर, प्यारे बच्चे और मातृशक्ति, कार्यक्रम का जब समापन होता उसमें तो सबको जाने की जल्दी होती है, लेकिन मैं, मुझे कहा गया कि कुछ इस अवसर पर मुझे कहना है, तो सबसे पहले तो मैं हृदय से फिर से बधाई देता हूँ। सुबह तो दी थी लेकिन इस समय विशेष रूप से बच्चों को, जो कि इस प्रतियोगिता में जीते हैं और जिनके लिए ये जो सुंदर कप हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं शुरू में कुछ देर जब बैठा और मैंने देखा जो जिस प्रकार के, जिस स्तर के सवाल पूछे जा रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे भी मुझे लगे कि जो इतने वर्षों तक हम लोग भी इतनी जानकारियाँ प्राप्त करते हुए और इतने साल संघ के साथ जुड़े रहने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भी नहीं पता हैं, तो वो जब बच्चे बता रहे थे तो हम लोगों को थोड़ी सी शर्मिंदगी जैसी महसूस हो रही थी। इसलिए मैं समझता हूँ ये बच्चे जो है सच मायने में बधाई के पात्र हैं। इतनी यंग एज में दे वर इक्विप्ड विद लॉट ऑफ नॉलेज। आई विश कि मैं पूरा क्विज को देख पाता, मेरा एक और कमिटमेंट था बीच में, लेकिन मैंने जो क्विज के सवाल इत्यादि का जो स्टैंडर्ड देखा और जो सवाल देखे
और ये जो खासकर बच्चे यहाँ तक आए हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन को पार करके सुबह जो डाटा वगैरह यहाँ दिया जा रहा था कि 9000 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, कई लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हृदय की गहराइयों से उन सब बच्चों को जिनको आज पदक इत्यादि मिलने वाले हैं मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि अभी ये समापन जो है ये वास्तव में बच्चों के लिए है, तो मैं दो तीन बातें सिर्फ इस नाते यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनका जो पोटेंशियल है वो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। सुबह हमने जब पोलियो उन्मूलन की चर्चा की थी तो अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि बच्चों के कॉन्ट्रीब्यूशन में, तो मुझे याद आया कि जब दिल्ली में हम लोगों ने पहली बार कार्यक्रम किया तो उस समय दिल्ली के अंदर जो है प्लेग आ गया था, और प्लेग दिल्ली में आया था, सूरत में आया था। जो लोग 1994 को अगर रिकॉल करेंगे 25 साल पहले के समय को, और भारत में पहली बार हम लोग पोलियो उन्मूलन का अभियान कर रहे थे, तो एकदम सभी लोगों ने, एवरीबॉडी, हर व्यक्ति ने हमको ये बोला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि डॉक्टर साहब इफ़ यू कैन रिविजिट योर आइडिया ऑफ डूइंग इट ऑन 2nd of October तो उसको रिविजिट कर लो। हमारे चीफ मिनिस्टर तो एकदम कह ही रहे थे कि 2 अक्टूबर को मत करो, अभी प्लेग फैला हुआ है दिल्ली में, ऐसा वैसा। लेकिन हम लोग क्योंकि 9 महीने से तैयारी कर रहे थे, हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी बहुत था, हम लोगों ने मॉक ड्रिल वगैरह भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी एक डर था कि ये जो कार्यक्रम है इसमें प्लेग के डर से अगर माताएं बच्चों को लेकर बाहर नहीं आई तो प्रोग्राम अगर भारत के अंदर जब पहली बार हो रहा है, अगर वो पहली बार में ही अगर फेलियर हो गया तो भारत को कभी इस अभियान में सफलता नहीं मिल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा डर था। तो उस समय तो खाली मैं हेल्थ मिनिस्टर ही था, लेकिन बाद में मुझे एजुकेशन का दायित्व भी मिला 1.5 साल के बाद। तो हमने उस समय अपने डायरेक्टर एजुकेशन को बुलाया, और मतलब जो एक तो इसमें से जो मैं बात कहना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट द पावर ऑफ आइडियाज़, अ पावर ऑफ इनोवेशन, उस चीज़ से कितना, और फिर जो बच्चों की जो पोटेंशियल है, तो डिस्कशन एंड पावर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसके लिए मैंने सुबह भी जाजू जी को भी कहा और अध्यक्ष जी को भी कि छोटे छोटे, सुरेश जी से भी चर्चा की कि छोटे छोटे ग्रुप्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग अब आपको करनी पड़ेगी कि ग्रीन गुड डीड्स के बारे में अगर मूवमेंट डेवलप करना है तो कौन से जगह पे क्या चीज़ डेवलप करनी, कैसे करनी, वो चिंतन प्रक्रिया में से बहुत सारे आइडियाज़ निकलेंगे। जो कंपैरेटिवली सबसे दिखने में बुद्धू होता है उसके पास भी शायद उसका ब्रेन भी ब्राइटेस्ट आइडिया निकाल देता है, ये मेरा अपना जीवन का अनुभव और तजुर्बा है। तो हमने डिस्कशन में से एक छोटी सी बात निकाली और एक प्राइमरी स्कूल के, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर को बुलाकर हमने कहा कि हमको दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को एक होमवर्क देना है, और वो आप अपनी व्यवस्था से एक छोटा सा होमवर्क दिलवा दीजिए उसको। और वो होमवर्क क्या था कि बच्चों को हमने कहा कि अपने मोहल्ले के अंदर अड़ोस पड़ोस के 10 छोटे 3 साल के बच्चों का नाम, किसी भी 10 बच्चों का नाम लिख के लाना है तुमको कागज़ के ऊपर। और ये होमवर्क हमने उसको दिलाया 30 सितंबर 1994 को, और उसको कहा कि 1 अक्टूबर को ये 10 बच्चों का नाम लिख के ले आओ, और टीचर्स को ये कहा कि आपकी ये ड्यूटी है कि सिर्फ क्लास में पूछना है कि तुम अपने बच्चे नाम लिख के लाए हो, ऐसे कागज़ उसको दिखाना है, और उसके बाद टीचर ने उसको सिर्फ इतना बोलना है कि आप ये जो बच्चों का नाम लिख के लाए हो, जिन भी बच्चों का, इन बच्चों की माँ को कल सुबह जाके तुम्हें इतना कहना है कि अपने जो इस अपने बेटे को पोलियो केंद्र पर लेकर जाओ, बस इतना सा होमवर्क। और उसका सेकंड पार्ट था कि 3 अक्टूबर को उनसे, बच्चों से स्कूल में पूछना कि कल होमवर्क ठीक से किया कि नहीं किया। एक इस छोटे से इनपुट ने हमें दिल्ली के अंदर लाखों बच्चों की जो उसके अंदर जो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि सबसे को डर था कि प्लेग के कारण जो है जो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तैयारी तो थी सारी, लेकिन प्लेग की वजह से जो परेशानी है उसकी वजह से जो एप्रीहेंशन था
उसको एड्रेस करने का नतीजा ये हुआ, आज भी मेरे सामने एक बच्चा जो है मंगोलपुरी का, उसकी शक्ल घूमती रहती है। वो 346 बच्चों का नाम लिख के लाया, 346 चिल्ड्रन का, और उसके बाद 346 बच्चों को उसने यानी उनकी माताओं को दिन भर में घूम घूम के उसने उनको पोलियो केंद्र पर जाने के लिए प्रेरित किया। ये इन बच्चों का पोटेंशियल है। बाद में इस सारे सिस्टम को हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और हमने स्कूलों में कहा कि पोलियो सैनिक बना दिए, पोलियो सेना बन गई, और ये बच्चों ने जो है, और उसके बाद आप ये समझिए कि 96 में जब यूनिसेफ ने सर्वे किया तो उसने कहा कि पोलियो उन्मूलन की सफलता के अंदर जो हेल्थ वर्कर था या आंगनवाड़ी वर्कर था उससे भी ज़्यादा जो स्कूल का बच्चा था उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसका सफलता के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि ये जो बच्चों को हम लोग तरह तरह से विकसित कर रहे हैं, इन बच्चों का बहुत सारा पोटेंशियल। अभी जब दिल्ली में अभी 4 महीना पहले हम लोगों ने इन्हीं बच्चों की सहायता से हरित दिवाली और स्वस्थ दिवाली का कैंपेन शुरू किया, 3 महीना पहले मैंने देश के 2 लाख प्रिंसिपल्स को ईमेल से और दिल्ली के आसपास के 3,000 प्रिंसिपल्स को ईमेल से हरित दिवाली के अंदर बच्चों को प्रेरित करने के लिए, और रोज़ हम लोग अपने यहाँ पर 1,000 बच्चों का कार्यक्रम करते थे, रोज़ 1,000 सर्टिफिकेट देते थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार जो दिवाली के आसपास जो एयर क्वालिटी थी वो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा उसमें ड्रास्टिक परिवर्तन था। और अभी तो हमने इस साल हमारे वैज्ञानिकों ने जो है पॉल्यूशन फ्री क्रैकर्स पर जो है काम शुरू कर दिया है। अभी आपने अगर ये ऐप देखा होगा जिसने, तो उसकी लेटेस्ट खबर जो मैं कल करके आया ऐप के लिए साइंटिस्ट की मीटिंग, वो खबर आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी फोटोग्राफ्स के साथ। तो ये बच्चों का जो पोटेंशियल है यानी हर चीज़ के अंदर जो है, और कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक मैसेज, शायद जितना पॉजिटिवली बच्चे के माध्यम से स्कूल में टीचर और टीचर से बच्चा और बच्चे से उसके घर में उसकी माँ, और फिर वहाँ से सोशल हेल्थ मैसेज, सोशल पॉजिटिव मैसेज, एनवायरमेंटल मैसेज, ये जितनी तेज़ी से सोसाइटी में जा सकता है, या अच्छा जो यानी वैल्यूज़ के लिए, सुरेश जी को ध्यान होगा कि दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में हमने दिल्ली के अंदर एक वैल्यू एजुकेशन कैलेंडर बनाया बच्चों के लिए, और हर बच्चे को हम लोग हर रोज़ 10 गुड डीड्स करने के लिए कहते थे, वो कैलेंडर पे उसके ऊपर लिखा होता था, और हर रोज़ वो 12 लाख बच्चों को हमने स्कूलों में बांटा, और उसके बाद उसके हर रोज़ बच्चा कितनी डीड्स किया उसके ऊपर सिर्फ मार्क करता था, आज की तारीख में 6 किया तो 6 लिखता था, कोई उसके लिए कोई इम्तहान या कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं थी। और उसको करते 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 वैल्यू सिस्टम्स में इतना परिवर्तन आया कि हमने 3 महीने के बाद जब मीटिंग्स करनी शुरू की तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में पेरेंट्स के साथ बच्चों की मीटिंग्स बुलाते थे, तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते थे आंख में आंसू लेके कि आपके वैल्यू एजुकेशन कैलेंडर से, वैल्यूज़ के इम्प्रूवमेंट से हमारा 21 साल का बच्चा जो है उसने ज़िंदगी के अंदर पहली बार हमारे पाँव छूने शुरू कर दिए उस बच्चे को देखकर। तो ये एक प्रकार से मुझे आज भी याद है, एक नलिनी सिंह नाम की रिपोर्टर है जो किसी को छोड़ती नहीं है, वो अरुण शौरी की बहन है, वो आंखों देखी प्रोग्राम करती थी, वो स्वयं गांवों के अंदर गई और उसके बाद वो हमारे घर पर आकर उन्होंने हमको बधाई दी कि डॉक्टर साहब मैंने ऐसा परसेप्टिबल और मेजरेबल चेंज वैल्यू सिस्टम्स के अंदर बच्चों की नहीं देखा जो मैंने स्वयं अपनी आँख से देखा। उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम किया हमारे लिए आँखों देखी प्रोग्राम के अंदर। तो ये मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए किया कि इसके अंदर से आपको इन बच्चों की जो पोटेंशियल है, ताकत है, इसका आभास हो, वो जिसे कहते हैं और ज़्यादा रियलाइजेशन हो, और भारत विकास परिषद के आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे उसके अंदर लक्ष्य लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इन बच्चों को हमने सही नागरिक बना दिया, श्रेष्ठ इंसान बना दिया, श्रेष्ठ वैल्यू बेस्ड इंडिविजुअल बना दिया, और अपनी संस्कृति और देश की नॉलेज ठीक प्रकार से दे दी, तो फिर हम ये एकदम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा जो भारत है उसका भविष्य एकदम महान है। और ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ भारत विकास परिषद की आप बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नए नए डायमेंशंस ऐड करने की ज़रूरत है, और ये जब आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करेंगे तो ये नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे।
आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि ये जो हमने जितनी बातें अभी की हैं और भी है इस तरह की बहुत सारी, लेकिन मैं कितनी आपसे करूं, तो इसके लिए हमने सबसे पहली बार 50 हम अपने शिक्षा के जगत के 50 टॉप लोगों को, प्रिंसिपल्स को कुतुब मीनार पर लेकर गए थे और कुतुब मीनार के नीचे बैठकर हमने सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चिंतन किया कि कौन कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिनसे हम बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और उसके अंदर से इतने सारे आइडियाज़ निकले जिनको कि हम लोगों ने, और उसके बाद बहुत जगह पे बीकानेर में आचार्य महाप्रज्ञ जी के आश्रम के अंदर गए, गीता विद्यालय में गए, कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे अधिकारियों के साथ बैठ के किया। तो आप भी अपने अपने सिस्टम में, वैसे हमारे यहाँ तो परिवार में चिंतन की प्रक्रियाओं का बहुत एक बड़ा अच्छा एक मैकेनिज़्म है, लेकिन अच्छे नए कार्यक्रम करने के लिए, और विशेषकर मैं अनुरोध करूंगा कि अगर गुड ग्रीन डीड्स का आपको मूवमेंट डेवलप करना है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में उसके लिए चिंतन की प्रक्रिया इन्वॉल्व होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए, और कैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का पोटेंशियल हम उपयोग कर सकते हैं इसको बड़ा एक आंदोलन देश में विकसित करने के लिए, इस पर भी काम होना चाहिए। बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो तो आपने देख लिया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जवाब वो दे रहे थे जो हम में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं तो सच्चाई से इसको स्वीकार कर रहा हूँ यहाँ पर मंच के माध्यम से, और आप लोगों को भी मेरा ख्याल से मेरी बात से जो है कोई शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, तो इसलिए आज के इस अवसर पर बहुत बहुत आपको बधाई है, और विशेषकर उन बच्चों को, उनके लिए हमारे को यही प्रार्थना है कि आप देश के बारे में तो जान ही रहे हैं, देश के एक अच्छे योग्य आप नागरिक बने और बड़े बड़े प्रोफेशंस के अंदर भगवान के आशीर्वाद से आप जो है देश का नाम रोशन करें, कोई डॉक्टर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई बड़े बड़े लॉयर्स बने, जज बने, यही हमारी आप सबके लिए बहुत मनोकामना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब जो आज के कार्यक्रम का मुख्य अंश है, ये जो ट्रॉफियां जो आपने मेहनत की है, जो आप विजेता बने हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन साथ ही इस ट्रॉफियों में आप तक पहुंचने के पीछे जिस टीम ने मेहनत की है, जो हमारी दिल्ली की टीम है, नेशनल टीम, उनका ऑनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पीपीटी, इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए तैयार किए, दिन रात मेहनत करके तैयार किए, तो उनकी टीम मेट्स को भी मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर तरुण शर्मा जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, श्री राकेश सचदेवा, श्री भारत भूषण जुनेजा, श्री भारत भूषण जुनेजा, सुमन कांत विज, श्री संदीप जी वॉट्स, श्रीमती कीर्ति शर्मा, श्रीमती डिंपल जुनेजा, श्रीमती डिंपल जुनेजा, श्रीमती किरण सचदेवा, श्री कनिष्क शर्मा एंड मास्टर यशवर्धन, ये वो टीम है जिन्होंने पूरी तैयारी और पूरी मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए कार्यक्रम को तैयार किया, क्वेश्चन आंसर तैयार किए, क्विज को कंप्लीट किया। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। और अब अंत में जो ये ट्रॉफियां हैं दिलवाने के लिए, मैं हमारे इस भारत को जानो प्रतियोगिता के नेशनल चेयरमैन श्री नीरज जी गुप्ता से आग्रह करता हूं कि वो आएं और अनाउंस करें विनर्स को। श्री नीरज जी गुप्ता। हेलो, ऑनलाइन में जो प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर रहे हैं वो दोनों विद्यार्थी यहाँ पर।
हर्षवर्धन अग्रवाल सेकेंड। Thank you.
नॉर्थ सेंटर सेकेंड इसके बाद फर्स्ट सेंटर रीजन वो भी आ जाए इधर सेंटर रीजन के बच्चे दोनों बच्चे और टीचर जल्दी आ जाइए जूनियर ग्रुप के फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन रीजन वेस्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन साउथ रीजन वो भी जरा इधर मंच के पास आ जाएं सारी स्कूल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके दो बच्चों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको कॉन्सोलेशन प्राइज है एवरी स्कूल एंड द एवरी पार्टिसिपेंट्स एक स्कूल से एक टीचर जो भी हैं वो आए या उनके पेरेंट्स आए और दो बच्चे वो कृपया आते जाए फटाफट ताकि जल्दी हो जाएगा जाए जो भी स्कूल से यहाँ उपस्थित है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है लेकिन वो प्राइज नहीं जीत पाए लेकिन उनके लिए ये बड़ी प्राइज यहाँ उपस्थित है दो बच्चे और एक टीचर
पैदा किया, मैं उनका बंबई प्रांत की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनकी टीम में जो दिल्ली से पधारे हैं मैडम एंड तीन भाई, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमान सीताराम जी पारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय पदाधिकारी गण एवं दिल्ली से हमारे भारत को जानो प्रतियोगिता से रिलेटेड जो 11 जन अलग अलग स्थानों से इस प्रतियोगिता को आयोजन करने के लिए बम्बई में पधारे, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस वृद्ध आयोजन का संयोजक मुझे बनाने के लिए मैं प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान LR जाजू का पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ पे भरोसा करके प्रदान की, तो मैं पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सोच सकते हैं कि बम्बई जैसे महानगर में इतनी व्यवस्था करना कितना जटिलतापूर्ण कार्य होता है, लेकिन हमारे प्रांत के सभी पदाधिकारियों व आयोजन समिति के सदस्यों का उत्साह इतना जबरदस्त था कि किसी भी विषय को लेकर तनावग्रस्त नहीं रहना पड़ा। तो मैं मेरी सारी टीम के 9 टीम के सदस्यों, चेयरमैन, उन सब का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे सह संयोजक जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता, श्रीमान राम लक्ष्मण नौलखा, उनका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता जाता हूं कि उन्होंने हर कदम पे हमारे प्रांत को मुझे सहयोग प्रदान किया, मैं पुनः उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ सभी शाखा के पदाधिकारीगण, मल्लार ब्रांच की युवा टीम, 13 पंथ भवन मैनेजमेंट कमेटी और हमारे सुबह के एंकर श्रीमान विद्याधर जी मोरवाल एवं शाम के एंकर श्रीमान JP जी ब्याला, भोजन टीम, फूड क्राफ्ट, उन सब का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हर सहयोगी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा आर्थिक सहयोग प्रदाताओं, स्मारिका के विज्ञापन दाताओं के प्रति भी मैं बम्बई प्रांत की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में भारत विकास परिषद अपनी सेवा, संस्कार, संपर्क की गतिविधियों में आगे बढ़े और भारत में ही नहीं परंतु विश्व में अपनी कीर्ति और पताका लहराए, इन्हीं शुभकामनाओं एवं मंगल कामनाओं सहित मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद तथा सभी स्कूलों के बच्चों का, टीचरगण का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में कोई भी गलती रह गई हो तो मैं सेंट्रल के पदाधिकारी गण, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों, बच्चों और हमारे भारत को जानों से रिलेटेड टीम जो दिल्ली से पधारी है, कई बार हमें कड़ा बोलना पड़ जाता है, उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को कोई भी त्रुटि हो हमारे प्रांत की तरफ से, मैं सबसे दिल से क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डागा जी। अभी मैं श्री सुनीत शाह एंड तृप्ति जी को आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रगान के लिए, वो आगे आए, हम राष्ट्रगान करेंगे सब खड़े होकर के और फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।